पुराने बॉडी बिल्डर्स और कोचेस को कुछ भी नहीं आता, उनको एक्सरसाइज साइंस, रिस्क ऑफ इंजरी, फिजिक्स का पता ही नहीं। ये है मिस्टर तेजू, इन्होंने अभी अभी एक्सरसाइज साइंस पढ़ी है, सिर्फ स्टडी एंड रिसर्च के बेस पे बात करते हैं, हर चीज का साइंटिफिक प्रूफ देते हैं। देखो आपका ह्यूमरस, ये वाली हड्डी जब 90 डिग्री एब्डक्शन, अबे ओ हड्डी की दुकान। ये हैं अपने जुगनू भाई, ओल्ड स्कूल तरीकों को बेस्ट मानते हैं। शाना बन रहा है, माँ की आंख तेरे जैसे पनौती अपने बाप के ख्याल में थे तब से इस जिम में हूँ, समझा क्या शाने? ये बॉडी लैब में बैठ के बनाएगा क्या चिरकुट? ये देख रहा तेरी अकल से बड़ा बाइसेप कैसे बना मालूम? गूगल की नाक में उंगली देके नहीं, मेहनत किया मैं, हैवी लिफ्टिंग, डेली 3 घंटा प्रैक्टिस करने का, दवा के खाने का, एकदम मस्त, समझा छछुंदर? हो सकता है तेजू और जुगनू में से कोई एक आपको सही लगे, पते की बात बताऊं, साले दोनों ही फुद्दू। ना तो पुराने तरीके 100% बेस्ट एंड परफेक्ट हैं, ना ही मॉडर्न तरीके, लेकिन दोनों में बहुत सारी चीजें वैल्यूएबल हैं जो 100% काम करती हैं। इसलिए फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग जो एक तरफा और नैरो पर्सपेक्टिव वाली बातें करें, सिरे के फुद्दू हैं।